अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार बॉलीवुड सुपरस्टार सिंह यो यो हनी सिंह के साथ देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें। यो यो हनी सिंह हृदेश सिंह, जन्म 15 मार्च 1983, जिन्हें पेशेवर रूप से यो यो हनी सिंह या केवल हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय संगीत निर्माता, संगीतकार, रैपर, पॉप गायक, गीतकार और एक फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 2003 में एक सत्र और रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में शुरुआत की और एक भानगड़ा और हिप हॉप संगीत निर्माता बन गए। बाद में उन्हें अपने संगीत से सफलता मिली और उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों और अपने स्वतंत्र संगीत वीडियो के लिए गाने बनाना शुरू कर दिया। वर्तमान में वह भारतीय संगीत उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले और सबसे सफल संगीत कलाकारों में से एक हैं। यो यो हनी सिंह 2014 में सिंह पृष्ठभूमि की जानकारी। जन्म नाम हृदेश सिंह, जन्म 15 मार्च 1983, उम्र 38, होशियारपुर पंजाब, भारत मूल दिल्ली, भारत शैलियां भानगड़ा, इंडी पॉप, R&B, रेगेटन, रैप, पॉप, हिप हॉप, देसी हिप हॉप, व्यवसाय गायक अभिनेता। सक्रिय वर्ष 2003, वर्तमान लेबल माफिया मुंडी रिकॉर्ड्स, रीस। आजीविका संगीत सिंह अंग्रेजी के बजाय हिंदी और अपनी मूल भाषा पंजाबी में गाना पसंद करते हैं। पंजाबी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर 11 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। साथ गायक जे स्टार की विशेषता वाले एल्बम से गबरू ट्रैक आधिकारिक BBC एशियाई चार्ट सहित एशियाई संगीत चार्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रामजस कॉलेज दिल्ली सहित कई कॉलेज समारोहों में प्रदर्शन किया है। सिंह और दिलजीत दोसांझ का गीत लाख 28 कुड़ी दा मई 2011 में BBC एशियन डाउनलोड चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया। यह गीत दिलजीत दोसांझ की फिल्म लान ऑफ पंजाब के प्रचार ट्रैक के रूप में जारी किया गया था। यह बताया गया है कि उन्हें कॉकटेल और मस्तान फिल्मों के एक गाने के लिए बॉलीवुड गाने 2012 तक के लिए $7,93,000 के लिए अब तक की सबसे अधिक फीस का भुगतान किया गया था। सिंह 2012 के ट्रेंडिंग वीडियो के चार्ट में सबसे ऊपर हैं। 12 उन्होंने 2012 के शीर्ष 10 ट्रेंडिंग वीडियो की YouTube की सूची में 2 स्थान अर्जित किए। उनके गीत ब्राउन रंग ने इसे शीर्ष स्थान पर बनाया। जाज धामी के सहयोग से हाई हील्स ने 4th स्थान हासिल किया। बॉलीवुड फिल्मों में उनका पहला गाना शकल पे मत जा था, जिसमें गगन सिद्धू थे। सिंह ने रू मस्तान फिल्म के एक गाने के लिए 7 करोड़, यह बॉलीवुड में किसी गीत कलाकार को दी गई अब तक की सबसे बड़ी राशि थी, जिसने सिंह को बॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले संगीत कलाकारों में से एक बना दिया। सिंह के एल्बम इंटरनेशनल विलेजर का गीत अंग्रेजी बीट, जिसमें गिप्पी ग्रेवाल हैं, को सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल में चित्रित किया गया था। सिंह ने MTV इंडिया पर प्रसारित वीडियो म्यूजिक अवार्ड इंडिया में अपना एकल ब्रिंग मी बैक फीट स्पोकन वर्ड लॉन्च किया। शो के बाद चैनल पर उनके गाने का प्रीमियर हुआ। 2013 के अंत में उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस और बॉस फिल्मों में गाने तैयार किए। उन्होंने मेरे डैड की मारुति, बजाते रहो और फुगली जैसी छोटे बजट की फिल्मों में भी गाने गाए हैं। फरवरी 2015 में उन्होंने बर्थडे बैश गाने जारी किए। इसके बाद गब्बर इज बैक और भाग जॉनी सहित फिल्मों में गाने आए। उद्धरण वांछित, उन्हें 2016 में एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा और वह किसी भी परियोजना के लिए अनुपलब्ध थे, इसलिए अपने विरोधियों को इससे गुजरना पड़ा। हनी सिंह ने 2018 के अंत में मखन गीत के साथ वापसी की। यह गीत एक बड़ी सफलता बन गया। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म बाजार और सोनू के टीटू की स्वीटी के लिए गाने गाए और संगीतबद्ध किया। मुंबई सागा का पहला गाना शोर मचेगा 28 फरवरी को रिलीज होगा, जिसे यो यो हनी सिंह ने कंपोज किया है। यो यो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला के गीत और गायन के साथ अभिनय। सिंह ने अपने अभिनय की शुरुआत बलजीत सिंह देव की पंजाबी फिल्म मिर्जा द अनटोल्ड स्टोरी 2012 से की, जिसमें दिशा एक पागल गैंगस्टर की भूमिका निभाए। केवल एक कैमियो उपस्थिति होने के बावजूद इस भूमिका ने सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए PTC पंजाबी फिल्म पुरस्कार जीता। अगले वर्ष सिंह एक और पंजाबी फिल्म में दिखाई दिए, इस बार अमित प्रशर की एक कॉमेडी तू मेरा 22 में तेरा 22 रोली के रूप में एक बचकाना और बिगड़ल बब्बा अमरिंदर गिल के साथ। यह किसी फिल्म में सिंह की पहली मुख्य भूमिका थी। इसके बाद सिंह ने हिमेश रेशमिया के साथ 2014 की संगीत थ्रिलर फिल्म द एक्सपोज के साथ बॉलीवुड सिनेमा में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली समीक्षा के लिए 16 मई 2014 को रिलीज किया गया था। हालांकि यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। 2016 में सिंह ने पंजाबी एक्शन फिल्म जोरावर में अभिनय किया, जिसका निर्देशन विनील माकन ने किया था, जिसे अब तक की सबसे महंगी पंजाबी फिल्मों में से एक के रूप में विपणन किया जाता है। फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया था। गीत की आलोचना 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले के बाद
उनके कुछ गीतों के बोल जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार को सकारात्मक रूप से दर्शाते हैं विवाद का कारण बने हैं। 18 सिंह के खिलाफ उनके आपत्तिजनक गीतों के लिए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने गुड़गांव के एक होटल में उनके नए साल के प्रदर्शन को रद्द करने की मांग करते हुए एक ऑनलाइन याचिका दायर की थी। अभियान के बाद होटल द्वारा सिंह के नए साल के संगीत कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। 20 सिंह इन आपत्तिजनक गीतों को लिखने से इनकार करते हैं। 21 अक्षय कुमार की फिल्म बॉस में सिंह का गाना पार्टी ऑल नाइट विवादों के केंद्र में रहा था। फिल्म के निर्माताओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी पड़ी थी जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने सिंह के गाने में एक कथित अश्लील शब्द को माउंट किया था। अदालत ने वकील संजय भटनागर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जिसमें कहा गया था कि सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बिना इस तरह के अश्लील शब्द के साथ गाना जारी नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक लगाने की मांग की थी जब तक कि फिल्म से शब्द या गीत को हटा नहीं दिया जाता। 22 उनके काम को किसके द्वारा अश्लील स्त्री विरोधी महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और युवाओं पर बुरे प्रभाव के रूप में माना गया है। 23-24 सिंह को प्रिंट में प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जैसे एनी जैदी जिन्होंने जनवरी 2013 में हनी सिंह को एक खुला पत्र लिखा था और संदीपन शर्मा जिन्होंने थैंक्स फॉर द क्रिसमस हनी सिंह को एक खुला पत्र लिखा था जुलाई 2014 में माता पिता से। 26-2014 को वह और गायक रफ्तार इस बात को लेकर विवाद में थे कि क्या रफ्तार को ये फुगली फुगली क्या है गाने के बोल का श्रेय मिलना चाहिए। 27 व्यक्तिगत जीवन सिंह शादीशुदा है। 28-29 सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने रैपर पर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के तहत कई अपराध करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के 30,000 कोर्ट ने भी सिंह को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था। पुरस्कार 2010 PTC पंजाबी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक 2010 देसी दारू गीत के लिए 43 2011 PTC पंजाबी सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक 2011 एल्बम द फोकस स्टार के लिए 44 45 2012 PTC पंजाबी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 2012 एल्बम आई हुई अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण 46 2012 ब्रिटिश या टीवी संगीत पुरस्कार 2012 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम 47 2012 यूके एशियन म्यूजिक अवार्ड्स बेस्ट इंटरनेशनल एल्बम 2012 एल्बम आईवी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण 48 2012 PTC पंजाबी फिल्म पुरस्कार मिर्जा के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक 2012 द अनटोल्ड स्टोरी 49 2012 PTC पंजाबी फिल्म पुरस्कार मिर्जा के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरुष द अनटोल्ड स्टोरी 49 2013 MTV VMA पुरस्कार राउंड रंग गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी कलाकार पुरुष 2013 50 2013 MTV EMA अवार्ड्स मुझे वापस लाओ के लिए सर्वश्रेष्ठ भारत अधिनियम 2013 51 2013 बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स सिंह मोस्ट एंटरटेनिंग सिंगर मेल के सह विजेता थे और लुंगी डांस को मोस्ट एंटरटेनिंग सॉन्ग के रूप में नामांकित किया गया था। 52 2014 जी सिने अवार्ड्स 2014 इंटरनेशनल आइकन मेल के लिए 5